ओम शांति। तो कल की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं, तो एक है शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं, मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां चली जाती है, इसलिए शुभ चिंतन की सोमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। सोमान अमृत वेले मिलन बनाने के बाद मन को दे दो, लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है, हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना? बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल वा अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। डबल अंडरलाइन, ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती, इसीलिए सफलता जो चाहते हो जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, त्याग करे तो मैं करूँ, नहीं, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो। बाबा कहते हैं, शुभ शुरुआत अपने से करना है। मुझे तो करना ही है, विश्व परिवर्तक सोमान है ना? सभी विश्व परिवर्तक हो ना? हाथ उठाओ जो समझते हैं। मुबारक। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो? जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं, पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के। कौन सा संकल्प बाबा कहते? कल क्या होगा? आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा, ये संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ, करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या हाथ उठाया? मन का हाथ उठाया, बाबा कहते हैं ये स्थूल हाथ उठाया। किसने मन का हाथ उठाया? वो हाथ उठाओ, क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। तो एक सेकेंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प, लिफ्ट बन जाएगा और सेकेंड में परमधाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहां चाहेंगे वहां बिना मेहनत के सेकेंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई न कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। तो एक मिनट के लिए विशेष कमेंट्री पर योग करते हैं। स्वयं को देखे, चेक करे, मुझे स्वयं में कौन सी ऐसी बात बदलनी है जिससे मेरी प्रगति हो और वातावरण भी शक्तिशाली बन सके, चाहे वो व्यर्थ बोलने की बात हो, व्यर्थ समय गंवाने की बात हो या कोई भी अपना अवगुण हो, उसे देखें। बाबा के सामने वो संकल्प रख दे, बाबा आज से ये मेरी कमी सदैव के लिए मैं आपको अर्पण कर देता हूं। शिव भोलेनाथ को तो अक के ही फूल पसंद है ना। सभी हमारी कमी कमजोरियों को वो आलंगित कर लेते हैं। जैसे ही ये कमजोरी मैंने बाप दादा को दे दी, स्वयं को शक्तिशाली पावरफुल अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान। ये जीवन उस पर बलिहारी है, तो जो बाबा के गुण वो मेरे गुण, सबके लिए शुभ चिंतक रहना ही है और अपने मन में सदैव शुभ चिंतन ही करना है। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 मुरली क्लास, प्रातः 4:45 बजे और अव्यक्त वाणी पर रात्रि क्लास कंटिन्यूटी में 9:15 बजे। ओम शांति।